इस मॉड्यूल में एक वेस्कुलर सिस्टम का एक दूसरा सिस्टम जैसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम इससे पहले हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जिक्र किया तो अब ये लिम्फेटिक सिस्टम का जिक्र करते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम द सिस्टम बिगिंस विद द नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स दैट कैरी ए क्लियर फ्लूड कार्ल लिम्फ और ये हम देखते हैं कि लिम्फ कैसे बनता है ब्लड जब कैपिलरीज में आता है तो वहां कि जैसे वहां फिल्टर हो रहा है और uh, सिर्फ लिक्विड पार्ट दैट पास थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, और ये कहाँ जाता है इन वेसल्स के अंदर जिन्हें हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं और यही लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं दे आर वेरी फाइन जस्ट लाइक कैपिलरीज लेकिन यह एक दूसरे के साथ मिलने के बाद मेन लिम्फैटिक डक्ट बन जाती है फिर उसके बाद अगली मेन लिफेटिक डक्ट में और इस तरह थोड़े लिम्फैटिक डक्ट बनता है तो द स्मॉलर लिम्फैटिक कैपिलरीज मर्ज टू फॉर्म लार्जर लिम्फैटिक वेसल्स कार्ड लिम्फैटिक्स और इसे हम एक इस ह्यूमन में ह्यूमन में हम देखते हैं दैट इज कंप्लीट एक ह्यूमन uh, बीइंग के स्ट्रक्चर यहाँ पे तो ये मेन वैसल है लिम्फेटिक वैसल और इसमें दे द स्टार्ट वेरी फाइन वैसल्स जो कि एक दूसरे के साथ मिलते हुए मिलते हुए और फिर ये इस तकरीबन हार्ट के पास आके खुल जाती हैं और ये आउट द बॉडी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर लिम्फ नोड्स जो यहाँ पे भी हैं आर्म पिट्स में हैं फिर इस ग्राॅन रीजन के अंदर हैं तो ये कंप्लीट ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये शो हो रही हैं दिस लिम्फेटिक सिस्टम लेकिन इसमें जिसका ब्लड सिस्टम में कि एक तरफ से ब्लड दूसरी तरफ जाता है लेकिन ये यह यहाँ पे लिम्फेटिक्स में ऐसा नहीं है यह लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं है वेरी फाइन ब्लाइंपरीज और वो फिर मिलके ये फिर मेन वेसल्स बनती हैं और uh, यहाँ पे एक टिश्यू लेवल पे दिखाई गई है यही चीज के ये दीज आर दर्ट्रियोल्स इससे पहले आर्टरीज हैं फिर वो डिवाइड हो रही है कैपिलरीज और ये कैपिलरी नेटवर्क है और यहाँ से ब्लड आ रहा है यहाँ पे डी ऑक्सीजन टिश्यूज को मिल रही है सेल्स को मिल रही है और वो कार्बन डाइऑक्साइड पिक कर रहा है ब्लड और ये है वो वैसल्स ये है वो वेसल जो कि ब्लाइंड वेरी स्मॉल वैसल्स और इसको मैग्नीफाई करें तो ये चीज़ है ये है वो लिफेटिक वेसल और यहाँ पे और इसके अंदर इसके अंदर क्या है यहाँ पे तो ब्लड है लेकिन यहाँ पे लिम्फ है तो ब्लड में से अगर ब्लड सेल्स निकाल दें तो वो बकिया प्लाज्मा प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन्स निकल जाए तो लिम्फ बन जाता है सो लिम्फेटिक्स आर थिन वॉल्ट वैसल्स विद वेल्व्स ये वो वेल्व्स हैं जो कि लिम्फ को इसका बैक फ्लो नहीं होता उसको रोकती हैं दैट इंश्योर वन वे फ्लो ऑफ अ लिम्फ तो लिम्फ इज द एक्स्ट्रा सेलूलर फ्लूड दैट सीप्स फ्राम द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्यूमुलेट्स इन द लिम्फ वैसल्स द लिम्फेटिक वैसल्स पास टू द लिम्फ नोट्स ऑन देअर वे बैक द हार्ट और ये लिम्फ नोट्स क्या हैं यहाँ पे भी फिल्टर्स uh, sort of, uh, हैं यहाँ पे ये यह तमाम वेसल्स जो हैं वो बिल्कुल एग्रीगेट हो जाती हैं और जब लिम्फ इसमें से पास करता है तो उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो फिर वहाँ पे रिमूव हो जाते हैं और वो फिल्टर होकर फिर लिम्फ आगे मूव करता है तो लिम्फ नोड्स दे कंसनट्रेट इन सेवरल एरियाज जैसे हमने पहली डायग्राम में देखा एंड एक्ट एज द डिस्पोजल सेंटर्स फॉर फॉरन पार्टिकल्स एंड सेलुलर डेवरी दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेज़ ये आ, बहुत इसका इम्पॉर्टेंट रोल है अगर यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए तो नोव्स जो हैं वो उसमें इन्फ्लेशन हो जाती है दे स्टार्ट पेंिंग और वो फिर एक खास इसमें कैंसर भी हो सकता है और इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं तो वह फिर उसका बाकायदा ट्रीटमेंट होती है The system also helps transport lipids and have, and, uh, and, uh, have been absorbed from the, from the small intestine. These yani, lipids, which have been absorbed from the small intestine, wo bhi, lipids and transport transported. Now, in addition to the lymph nodes, the mammalian lymphatic system consists of lymphoid organs, just the spleen hair, thymus. Hai, टॉन्सिल्स uh, हैं और एडीनोइ्स हैं नाउ इन बर्ड्स बर्सा ऑफ फेबरिकस जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कर चुके हैं दिस इज एंड एन एडिशनल टिश्यू।